अब देखिए दोस्तों, मशीन से गन्ना का जूस निकलवा कर पीने का बात अलग रख दीजिए, बट इससे एक और फायदा है कि दांतों का एक्सरसाइज बहुत तगड़े से होता है, बिल्कुल इस तरह प्रकार। ठीक है, कृपया अपना दांत को नजदीक से दिखाइए तो। अब दांतों के लिए इसलिए एक्सरसाइज ये है कि इस तरह पकड़ के और इस तरह गन्ना को ऐसे फाड़ने में जो दांतों की ताकत लगती है उससे बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए बल्कि एक गिलास जूस न पीकर मशीन वाला, बल्कि एक गन्ना हम चबा ले अगर हफ्ते में एक हफ्ते में एक गन्ना, तो हमारे दांतों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। वाह, क्या धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार एक बार फिर से अपने रोहतास की धरती यूट्यूब चैनल से आप लोग सबका वेलकम करता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, आज फ्राइडे है और आज हम लोग को टाइम मिला है, तो मैं अपने बचपन का दोस्त चंदन के बोरिंग पर आए हैं और आप देख सकते होंगे पीछे में किस चीज़ का खेत लगा हुआ है, तो आपको मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। ये मेरे हाथ में जो लाठी है, ये लाठी नहीं है, ये गन्ना है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग गन्ना के खेत में आए हैं और यहाँ आज हम लोग गन्ना खाएंगे, नहीं सिर्फ गन्ना चूसेंगे और उसके बाद हम लोग घर को जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि ये गाँव का रहन सहन है, गाँव का आपको मैं बताया था कि सब अलग ही होता है, शहर से काफ़ी अलग होता है। आप देख सकते होंगे खेत में सारे किसान लोग काम कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर धान कट चुका है, धान कटने के बाद इसका हार्वेस्टिंग हो करके यहाँ पर पुआल का ढेर लगाया गया है और कुछ में गेहूँ बो दिया गया है, इसमें गेहूँ बोआ गया है। और मैं आपको दिखा दूँ, देखिए उधर भी गन्ना का खेत है और देखिए मेरे हाथ में भी गन्ना है, अभी हम गन्ना खाने वाले हैं। और संजय जी, एक समय एक गलत बात है, आप वीडियो बनाइए, हम खाते हैं, नहीं तो हम बनाते रह जाएंगे और वीडियो बन नहीं पाएगा। संजय जी स्टार्ट कर दिए गन्ना खाने के लिए। और संजय जी बताइए, गन्ना के क्या क्या फायदे होते हैं खाने से, बताइए कुछ। देखिए, गन्ना खाने से सबसे पहले जो जॉइंटिस रोग है, हाँ बिल्कुल, उसमें आप समझ जाइए कि 90% बिल्कुल जॉइंटिस रोग के लिए लाभदायक है। और इससे कुछ कैंसर का भी जो बीमारी है उसको भी लेकर के जरूर कुछ ना कुछ 30% मात्रा में कैंसर के लिए भी लाभदायक होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखिए अभी चंदन जी अंदर चले गए हैं गन्ना के खेत में और देखिए वो गन्ना तोड़ रहे हैं। देखिए गन्ना तोड़ करके निकल के बाहर, या ये ना हुआ बात, वाह वाह भाई। और हमारे बीके भाई और जितने भी हमारे क्लासमेट, जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप लोग कब गन्ना खाने आने वाले हैं। चंदन, सूरज, चंदन, सूरज, रोहन, हमारे बीके भाई और 2007 और हाँ शशि, मैं तो 2007 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले बौलिया हाई स्कूल के सभी दोस्तों को मैं चंदन के तरफ से आपको आमंत्रित कर रहा हूँ गन्ना खाने के लिए। अगर फिर हमें कहिएगा मत कि आपने हमें याद नहीं किया। और तो काफ़ी मज़ा है फ्रेंड, बगल में सोन नदी है और सोन नदी के किनारे किनारे ये खेत, क्या मैं बताऊँ, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ये भूसी का ढेर है, ये पुआल, जो पुआल है ना, इस पुआल को काट करके मशीन से और इसका भूसी बना करके रख दिया गया है ताकि मवेशी वगैरह इसको खा सके। तो देखिए काफ़ी अच्छा जगह है, अगर आप लोग भी इस प्रकार के जगह में अगर घूमते होंगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और थोड़ा धूप ज़्यादा लग रहा है तो मैं चलता हूँ छाया में कहीं बैठ करके हम लोग पहले गन्ना को खा लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक झोपड़ी बना हुआ है और अक्सर हमारे घर से दूर खेत में, खेत खलिहान में इसी प्रकार का झोपड़ी बना हुआ रहता है। और यहाँ पर जो भी हो, यहाँ पर किसान लोग आते हैं और इसी के छाया में बैठ करके अपना खाना वगैरह खा करके खेत में काम करते हैं। और देखिए चंदन बैठ करके गन्ना को खा रहे हैं, सॉरी बार बार खाना कह दे रहे हैं, गन्ना खाया नहीं जाता है, क्या बोलते हैं इसको, ईख भी, हाँ इसको ईख भी बोला जाता है, ईख हम लोग खा रहे हैं। और फिलहाल हम लोग रोहतास जिले में हैं, ये बिहार राज्य के एक गांव, सॉरी जिला है।
अब देखिए दोस्तों, मशीन से गन्ना का जूस निकलवा कर पीने का बात अलग रख दीजिए, बट इससे एक और फायदा है कि दांतों का एक्सरसाइज बहुत तगड़े से होता है, बिल्कुल इस तरह प्रकार। ठीक है, कृपया अपना दांत को नजदीक से दिखाइए तो अब दांत दांतों के लिए इसलिए एक्सरसाइज ही है कि इस तरह पकड़ के और इस तरह गन्ना को ऐसे फाड़ने में जो दांतों की ताकत लगती है उससे बहुत बढ़िया एक्सरसाइज हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए बल्कि एक गिलास जूस न पीकर मशीन वाला, बल्कि एक गन्ना हम चबा ले अगर हफ्ते में एक हफ्ते में एक गन्ना, तो हमारे दांतों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। वाह, क्या बात, धन्यवाद। और यही है सब, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, हम लोग मौज मस्ती करते हैं। और कभी आप भी आइए, हालांकि बहुत दूर के लोग तो आ नहीं सकते, हम अपना फ्रेंड सर्किल को इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग आ सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, शाहपुर में है हम लोग, सॉरी सिंहपुर है, सॉरी फिर भी गलत हो गया, बलतुआ में है हम। और पीछे में देख सकते हैं उस साइड आपको कैमूर पहाड़ दिख रहा होगा, और इस बार संडे को हम लोग कैमूर पहाड़ जाने वाले हैं, रोहतास किला एक बार फिर से जाने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और हमारे सर हैं, एक सर आए हुए हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं को घुमाने के लिए हम लोग को ले जाना है। तो चलिए ठीक है, फिलहाल अब हम गन्ना खाने चलते हैं। ओके, ठीक ना, बढ़िया ना, खाए। देखिए दोस्तों, ये हमारे गांव में जैसे कि खेत पर एक बोरिंग होता है जिसमें कि बोर भी रहता है और प्लस एक झोपड़ी टाइप का छोटा सा रहता है, और एक वो जो गमछा वाले हमारे भैया हैं वो मतलब यहाँ पे खेती करते हैं, असल किसान देखा जाए तो उन्हीं को दर्जा जाता है, क्योंकि हम लोग तो घूमने के लिए और एक ब्लॉग बनाने के स्तर पर 10 मिनट यहाँ धूप में खड़े हैं, या हम लोग पैदल चल के खेतों खेत इधर आए हैं, लेकिन वो क्या है, अपने मेहनतों से इसी धूप में इसी ठंड में अपना खेतों से, ये देखिए खेती करके अपना इधर का धान का जो भी कटाई है वो लगभग धान की कटाई का फसल ख़त्म हो चुका है, प्लस कुछ खेतों में बोझा बांध कर उसको खलिहानों में रखा जाएगा, और कुछ कुछ खलिहान से धान का जो दौरी होता है जिसको बोझा बांध रहा है वहाँ से लेते हैं।